कराना और उसकी शुरुआत चादर पेश कर की गई। इस दौरान तहसीलदार सिराज खान सहित तो सैकड़ों समाजजन उपस्थित हुए। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी नाहर शाह वली बाबा का उर्स बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाबा का इस बार 72वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना काल की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए ये उर्स मनाया जा रहा है। वहीं मैदान पर सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया जा रहा है तथा उर्स मेले में आने वालों को मास्क होने पर ही एंट्री दी जा रही है। बाहर से आने वाले जायरीनों का भी पूरा इंतजाम किया गया है। दरगाह कमेटी के मेंबरान भी पूरी मेहनत के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इस बार ज्यादा लगाया गया है, जो मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। बताया जो चादर पेश करी गई है शासन की तरफ से, इसमें क्या औपचारिक रूप से जो चादर पेश की जानी होती है वो कर दी गई है, और कोरोना गाइडलाइन का जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया उसका पूरी कठोरता से के साथ पालन करते हुए आगे की जो रस्म रिवाज है पूरी की जाएगी। सर देखा जाए तो कोरोना के जिस हिसाब के मामले बढ़ रहे हैं उस यहाँ पर क्या क्या इसका मतलब इंतजाम रखा जाएगा? हमने मेला परिसर में और दरगाह में बगैर मास्क के एंट्री बंद कर दी लोगों की, उसका कड़ाई से पालन करेंगे। दूसरी देखा जाए तो पिछली जो कमेटी थी उससे रिकवरी का भी था एक, तो रिकवरी अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, जब आएगी तब देखने में तो ये भी आ रहा है कि जो अभी शासन की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है इसमें कई भू माफिया और कई पे FIR भी दर्ज है, तो ये शासन ने किस हिसाब से कमेटी थी? शासन से पता चले मैं क्या बता सकता हूँ। सिर्फ आपका शुभ परिचय मोहम्मद सिराज, तहसीलदार, कार्यपालन अधिकारी, नाहर सर। ठीक।